एवरीवन, टाइम है सुबह के 8:15 और मैं हो गया हूँ रेडी हॉस्पिटल जाने के लिए। बात करूँ दिन की तो दिन तो अच्छा निकला नहीं, क्योंकि बादल आए हुए हैं और रात भी बारिश हुई हल्की हल्की। फिलहाल तो बादल आए हुए हैं, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं बारिश होती है फिर ऐसे ही बादल लेते हैं। बात करूँ कल के दिन की तो कल गए थे हम शादी में और बहुत अच्छा मौसम था, हल्के हल्का वही बारिश तो थी नहीं पर मौसम बादलों वाला था। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत ज़्यादा मस्ती करी, इन्जॉय करा। बाकी शादी बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया शादी थी। जो भी मामा के यहाँ पे शादी थी तो अच्छी होनी थी, बाकी सब मिले थे, उसकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। चलो चलते हॉस्पिटल को, जाके देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं करके। अब फिर वही दोबारा रूटीन चालू हो गया है ड्यूटी जाने का। अब वही डेली के डेली रूटीन, ड्यूटी चलो ये करो वो करो फलाना करो ढिंगाना करो, मतलब वही रूटीन चलेगा। फिर देखते हैं फिर कितने दिन तक चलता है या कब लेता हूँ छुट्टी, 1-2 दिन की, कब नहीं लेता। बाकी 18, 16, 17 में लेनी पड़ेगी, और एक अगर विनुनाथ वैसे मिलने का प्रोग्राम बना तो वहाँ जाएंगे जब लेनी पड़ेगी। देखते जैसे भी है, जैसे भी रहेगा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। बाकी बात करूँ पापा की, पापा आ गए थे रात 8:30-8 बजे के आसपास, और क्योंकि काम लगभग लोगों वहाँ पे ख़त्म हो गया था इसलिए 2-3 रात रुक गए, 1 रात पहले रुक गए, 1 रात अब रुक गए, मतलब 3-4 बार जा चुके थे। तो इसलिए पापा जल्दी आ गए, सब आ गए थे वहाँ से, भाभी वगैरह जो भी सब वहीं पे। और बाकी आज भी जाना है वलीमे में जाना है, और भी 2-3 शादियाँ हैं गाँव में भी शादी है, बाकी वलीमे में जाना, देखते कैसे रहते कैसे नहीं। मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, अगर ड्यूटी से ही टाइम लगा तो मैं वलीमे में शामिल हो जाऊँगा, वरना नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी नहीं। जी बाइक निकाल ली गई है, अब चलते हैं सीधा हॉस्पिटल के लिए और हॉस्पिटल जाके मिलते हैं। जी मैं आ गया हूँ हॉस्पिटल, बाकी देखता हूँ अंदर जाके कौन कौन आए कौन कौन नहीं आए। बाकी सब आ गए होंगे क्योंकि डायरेक्टर सर आ गए, तो लगभग लगभग सभी आ गए, कोई बात नहीं सर, डायरेक्टर सर थोड़े जल्दी भी आ सकते हैं, तो लगभग सभी आ गए होंगे। देखते हैं तारिक सर वगैरह जायद वगैरह आए नहीं आए, बाकी अंदर चलते और सबसे मिलते हैं। जी मैं तो 1 दिन के बाद ही हॉस्पिटल आया हूँ, पर 1 दिन में ही हॉस्पिटल के हुलिया से ही बदल के रख दिया, एक फ्लावर पॉट वगैरह गमले वगैरह बहुत कुछ चेंज कर दिया। दिखाऊंगा अभी तो, अभी तो डायरेक्टर सर बैठे, अभी तो कुछ नहीं दिखा सकता, उसके बाद दिखाऊंगा क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ। चलो जैसे भी जो भी हुआ है कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी, पर अभी बात करें तो तारिक सर के, जाहिद भाई के, अभी तक उनमें से कोई भी नीचे नहीं आया, ना तारिक सर आए ना जाहिद भाई है, बाकी अभी तक इतना स्टाफ नहीं है, पर यह है कि डायरेक्टर सर जल्दी आ गए। बाकी देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है कैसा नहीं, और कहाँ जाने का प्लान है कहाँ नहीं, कैसे भी हो तो सब आपको पता चल जाएगा। यार एक सबसे बड़ी फिर ड्यूटी मिल गई, आज फिर ड्यूटी चौधरी हॉस्पिटल है, इसका मतलब ये है कि आज फिर ड्यूटी पूरा दिन चौधरी हॉस्पिटल ही रहेगी, तो ब्लॉगिंग का टाइम नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, जितना बनेगा जैसा बनेगा तो आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी खांसा वगैरह सब खड़े हुए मस्ती कर रहे थे, मैं दिखाता हूँ 1 दिन में कितना कुछ काम हुआ है आप लोगों को। सब तो हो ही गया था उधर का, ये सब न्यू प्लांट आए, ये भी ये सब जितने भी थे ना सब के सब न्यू प्लांट आए, ये कल आए, मतलब कल में ही आए, कल मैं छुट्टी बता तो कल में मंगवाए भी गए, रखवा भी थे साथ के साथ ही, उधर की सब तरफ भी सब रख दी और इधर की तरफ भी सब रख दी। बाकी चल रहा है सही का सही, मतलब बहुत सारा काम हुआ है कल। अब ड्यूटी चौधरी हॉस्पिटल है तो उधर चलते, उधर जाके देखते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। टाइम हो चुका है शाम के 4 और मैं आ गया था घर। घर आने का रीज़न क्या हुआ ये बताता हूँ, और ये मेरी चोट कैसे लगी ये भी बताता हूँ। बाकी मैंने आप लोगों को बताया था कि आज की ड्यूटी है चौधरी हॉस्पिटल की, चौधरी हॉस्पिटल जाना है। बाकी मैं हॉस्पिटल से चौधरी हॉस्पिटल के लिए निकल ही गया था, निकलने के बाद जैसे ही मैं सापुत पहुँचने वाला था तभी एक रिक्शा वाला आया रॉन्ग साइड में, और उसने आती बाइक में मार दी। जैसे ही बाइक में टक्कर मारी मैं एकदम नीचे गिर गया, वो तो शुक्र ये है कि मैंने हेलमेट वेलमेट पहना करता तो इसलिए ज़्यादा चोट नहीं है, यहाँ पे चोट आई है, और ये अंगूठा राइट हैंड का जो अंगूठा है उसमें चोट आई है, देखो नीला पड़ा हुआ है, पीछे खून नीला पड़ा, और जो राइट हैंड का लेग है मतलब राइट पैर है उसमें भी घुटने में चोट है, जिसकी वजह से वो तो अभी उठाया भी नहीं जा रहा, लंगड़ा के चलना पड़ रहा है। कोई नहीं, बाकी बस उसे भी बोलते क्या, एक तो वो पहले से ही लंगड़ा था, कुछ बाद मारते वारते तो फिर कहते कि पीट दिया, फिर उसे भेज ही दिया बाकी हॉस्पिटल। तभी थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल का स्टाफ वगैरह सब आ गया था,
सुबह सु करे कि आज साथ में जाहिद भाई थे, वे एम्बुलेंस से आते और मैं बाइक से था, तो साथ के साथ जब जाहिद भाई ने हॉस्पिटल में फ़ोन कर दिया था, मैं तभी हॉस्पिटल चले गया था। और उसके बाद मैं पापा हॉस्पिटल पहुंच गए थे, तो फिर मैं पापा के साथ घर आ गया था। बस ये है कि राइट पैर में घुटना ज़्यादा दर्द कर रहा है, बाकी एक्सरे कराया, एक्सरे में तो कुछ नहीं है, एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिगामेंट वगैरह में ही चोट है। चलो वो भी ठीक हो जाएगा, लिगामेंट की चोट है तो देखते हैं कब तक होती है कब तक नहीं। बाकी एक क्लिप है बाइक की, मैंने जो बाइक की क्लिप बनाई थी जो से टूटी हुई एक्सीडेंट के बाद की, वो दिखाऊंगा मैं कितनी टूटी हुई है कितनी नहीं, मैं इसके बाद डाल दूँ। बाकी यार मैं तो यही बोलूँगा यार, बस ये ई रिक्शा वाले आराम से चले, खुद तो मरते ही मरते दूसरों को मारते हैं। और सबसे बड़ी बात है यार, जब तुम्हारे बस की नहीं है चलानी तो मत चला, फिजिकल हैंडीकैप्ट होने के बाद तुम ऐसे कर रहे हो तो भाई दूसरे की खुद की खुद की दूसरे की जान भी खतरे में डाल रहे हो यार। अब देखो मेरी चोट यहाँ लगी है, ये लगी है, बाकी अंगूठे में लगी है, राइट पैर में लगी है, और बाकी तो सुबह रात को सोने के बाद ही पता लगेगा बाकी और कितनी चोट लगी है कितनी नहीं लगी है। अब सही से पहन ही रखी जाए तो क्या फ़ायदा हो यार ऐसे उसका, कोई नहीं कुछ नहीं कर सकते, बस जैसा भी है ठीक है। स्टीयरिंग भी घूमगा भाई, ये सब सबकी सब अगला सारा का सारा चेंज होगा, कोई बात नहीं जो होगा देख के जाओ।